तो फिलहाल अभी हमारा एक प्यारा सा टॉपिक है जो कि रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों में पढ़ना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझिए या समझना अभी हमें कि रेसिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो जरा गौर फरमाइएगा, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करेंट फ्लो करता है उस करेंट को अपोज करना। मतलब कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मतलब मैं आपको कहना यह चाहूंगा कि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसका काम क्या है, करेंट अगर उससे फ्लो कर रहा है तो उसको रुकावट करना, उसको प्रतिरोध करना, उसमें करंट फ्लो नहीं होने देना। तो अब आप हमें जरा बताओ, किसी कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब है करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मतलब जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उसमें उतना कम करेंट होगा, और किसी कंडक्टर में जितना कम रेसिस्टेंस होगा उसमें उतना ज्यादा करेंट फ्लो करेगा। आप शायद जानते हो कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब साफ यह होता है बच्चा कि सिल्वर का रेसिस्टेंस क्या है, सबसे कम है, तब भी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ। तो जिसका रेसिस्टेंस कम कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा कंडक्टिविटी कम। तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि उसका रेसिस्टेंस सबसे कम है। चलिए, मैंने अभी तो बोला भाई की डेफिनेशन की जो करंट को अपोज करता है, लेकिन बच्चा एक बात याद करो कि अगर मैं कह रहा हूं कि रेसिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगा। तो आप हमें बताओ, करंट की अगर बात कर ले तो करंट किस पर डिपेंड करता है। तो आप कहोगे सर करंट चार्ज पर डिपेंड करता है, क्योंकि बचपन में हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। तो आप हमें बताओ, कम वक्त में, कम समय में जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा इसका मतलब है कि उसमें करेंट ज्यादा फ्लो होगा, और ज्यादा वक्त में कम चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें करेंट कम फ्लो करेगा। मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं कि कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, मतलब उसमें करेंट सबसे ज्यादा फ्लो करेगा। इसका यह मतलब होता है कि उसमें कम वक्त में ज्यादा चार्ज फ्लो करता है, तभी ना उसमें करंट ज्यादा हुआ। लेकिन मैं यहां पर रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूं, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो कि करंट को अपोज करता है। इसका मतलब यह होता है बच्चा कि करंट को अपोज कर रहा है, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं चार्ज जो फ्लो कर रहा है उस चार्ज के फ्लो के रेट को कम कर रहा है। अगर चार्ज के फ्लो के रेट कम होगा तो करंट कम प्रोड्यूस होगा, करंट कम फ्लो करेगा, और करंट कम फ्लो करेगा मतलब रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप हमें जरा एक बात बताइए, आप बचपन में आपने सुना होगा कि ये मान लो ये आपका कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, और आप जानते हो कि कंडक्टर कॉन्टेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी कंडक्टर में, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ज्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ बच्चा, ध्यान दीजिएगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि ये इस तरीके से मूव करता रहता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बहुत सारा, किसमें, कंडक्टर में। तो अब आप हमें बताओ कि किसी कंडक्टर में जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नहीं। A conductor contains large number of electrons which move randomly in all directions. किसी भी कंडक्टर में बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता रहता है, क्या, किस डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को, जैसे ही इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं बच्चा, किसे, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो पता क्या चलता है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारा का सारा जो होता है यूनिडायरेक्शनल चलाता है, मतलब एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है, एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और जब एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप हमें जरा एक बात बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन मूव करेगा तो आप हमें बताओ क्या ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेगा, आपस में कोलिजन करेगा। और आप हमें बताओ,
जब ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेगा, ये सारा का सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहां भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आप हमें खुद सोच बताओ, ये जब एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है आपस में कोलाइड करेगा, और जब कोलाइड करेगा तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, चार्ज कम फ्लो करेगा, और चार्ज कम फ्लो करेगा मतलब कि उसमें करंट कम प्रोड्यूस होगा, और करंट जब कम प्रोड्यूस होगा तो यही एक टर्म को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का मतलब यह क्या, करंट को अपोज करना, करंट को अपोज करने का मतलब क्या हुआ, चार्ज कम फ्लो करना। चार्ज कब कम फ्लो करेगा, जब इसको हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, चार्ज क्या करेगा, आपस में कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा तो क्या होगा, उसके मोशन में उसके डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और जब मोशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा कम करंट प्रोड्यूस होगा, तो ओवरऑल इसी टर्म को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। बातें समझ में आ रही है रेसिस्टेंस के बारे में। वैसे आप इन शॉर्ट डेफिनेशन अगर जानना चाहोगे तो आप कह सकते हो कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा सुनिएगा, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं। अ कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, बट when they are connected through external source of battery, then all the electrons present in that connector move unidirectional, मतलब एक डायरेक्शन में, due to which they collide each other and hence there is some disturbance between the electrons present in the connector and thus the current will less flow and hence this term is known as resistance। बातें समझ में आई। अब आप समझिएगा कि रेसिस्टेंस अगर हम बोले, इसका यूनिट होता बच्चा, याद रखिएगा, इसको बोलते ओम, और ओम का सिंबल ये होता है, कहीं कहीं ओमेगा भी लिखा रहता है, ओमेगा इज द यूनिट ऑफ, तो याद रखिएगा रेसिस्टेंस। बातें समझ में आई। अब समझिएगा रेसिस्टेंस जो होता है कौन कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस कौन कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आप याद रखिएगा, पहली बात अगर मैं बात कर लूं तो ये जो डिपेंड करता है लेंथ पे, रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है मतलब क्या हुआ, आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, जितना कम लेंथ होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। तो आप हमें जरा एक बात बताओ, ये एक वायर है, इसका लेंथ एल है, फिर एक और वायर है इसका लेंथ मान लीजिए टू एल, एक और वायर है जिसका लेंथ मान लीजिए थ्री एल। तो अब आप हमें जरा बताओ, तीन वायर है एल टू एल थ्री एल, तो आप हमें बताओ, मैंने यहां लिखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ज्यादा रेसिस्टेंस भी ज्यादा, तो आप हमें बताओ इस तीन वायर में किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आप कहोगे सर थर्ड वाले का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, क्या सेम रेसिस्टेंस होगा, नहीं, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। तो इस तीनों वायर में सबसे ज्यादा अगर रेसिस्टेंस की बात करूं तो क्या होगा, 3L का होगा, फिर उससे कम किसका रेसिस्टेंस होगा, 2L वाले का, फिर उससे कम रेसिस्टेंस किसका होगा, L का। अब आप हमें बताओ इन तीनों वायर में आपने बता दिया रेसिस्टेंस अलग अलग होगा, ज्यादा कम सारा बता दिया। अब आप हमें बताओ इस तीनों वायर में करेंट किसमें ज्यादा फ्लो करेगा, किसमें फ्लो करेगा, जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा करंट जो फ्लो करेगा आपका एल वाले में, जितना कम लेंथ उतना रेसिस्टेंस कम, और जितना कम रेसिस्टेंस उसमें करंट उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा पहले में, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें, लेकिन रेसिस्टेंस की बात करूं सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस इसमें होगा, फिर उससे कम इसमें होगा, फिर उससे कम इसमें होगा। ऐसा मैंने किस तर्ज पे बताया, तो आपने यहां देखा रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, सिंपल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात डिपेंड जो करता है बच्चा, याद रखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याद रखिएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि आप अगर एरिया देखोगे ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, याद रखिएगा।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेसिस्टेंस कम। तो अब आप हमें जरा प्यार से एक बात बताओ, ये फर्स्ट वायर है, इसका थिकनेस यानी एरिया ए, एक और वायर है जिसका थिकनेस आपका 2a, एक और वायर है जिसका थिकनेस 3a। अब आप हमें बताओ, तीन वायर है यहां पे, इन तीनों वायर में रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा? तो मैंने अभी कहा रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। तो आप हमें बताओ सबसे ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन है? इसका है, 3a वाले का। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेसिस्टेंस कम, तो इसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा, उसके बाद इसका होगा, फिर इसके बाद इसका होगा। तो अब एक और बात बताओ कि इन तीनों में करंट सबसे ज्यादा किसमें प्रोड्यूस होगा, किसमें फ्लो करेगा? आप कहोगे सर ए में कि 2a में कि 3a में? तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, और जितना कम रेसिस्टेंस होगा उसमें उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो क्रॉस सेक्शन ज्यादा इसका है, यानी रेसिस्टेंस सबसे कम इसका होगा, और जिसमें सबसे कम रेसिस्टेंस होगा उसमें करंट सबसे ज्यादा फ्लो करेगा। तो सबसे ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें। दो बातें, तीसरी बातें याद रखिएगा हमेशा बच्चा, कि तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस। लेकिन मुख्यतः आप याद रखिए दो बातें, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर घटाओगे रेसिस्टेंस घटेगा। फिर उसकी दूसरी बात मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करोगे रेसिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करोगे रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। और आप जानते हो कि रेसिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेसिस्टेंस कम करंट ज्यादा, क्लियर बात है ना? चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, यहां दिख रहा है, देखिए तो हाँ चलिए, तो इसको और इसको दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो फाइनली एक रिलेशन आएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, यानी R और इसके लिए जब आप इक्वल दोगे तो रेसिस्टिविटी होगा, तो रो इंटू L by A। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस जो होता है रो इंटू L by A, यहां पे रो आपका रेसिस्टिविटी है, रो क्या है? रेसिस्टिविटी है। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होगा, कहीं कहीं पर रेक्टेंगुलर दे देता है तो वहां पे एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। कहीं पर आपका कोई ऐसा शीट दे देगा, प्लेन शीट, तो वहां पे एरिया जो लोगे क्या पाई आर स्क्वायर लोगे? नहीं, वहां पे एरिया क्या होगा? एल इंटू बी होगा। लेकिन अगर मैं सिलेंड्रिकल वायर की अगर बात करूं तो सिलेंड्रिकल वायर का जो थिकनेस होगा वो आपका तो पाई आर स्क्वायर होगा, मतलब थिकनेस का एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होगा ना, सर्कुलर आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन मैं अगर प्लेन शीट की बात करूं कोई मेटल का है तो वहां पर एरिया आपको एल इंटू बी लेना होगा, अगर रेक्टेंगुलर शेप का है तो। तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आई होप कि इतनी बातें सारी समझ में आई होगी। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, आर इक्वल रो इंटू एल बाई ए, R equal rho into L by A. R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of conductor and A is the area of cross section. यहाँ पे area जो होगा वो pi r square होगा। जरूरी नहीं कि सब जगह area pi r square ही हो सकता है, वो material के shape पर depend करेगा कि वो material का shape कैसा है। Cylindrical होगा तो pi r square होगा, rectangular होगा तो L into B होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सारा topic, सारी बातें अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।